नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे नवम पाठ मेट्रोयान। इस चैप्टर में देखिए हमने पढ़ा था कि मेट्रोयान जो मेट्रो रेल है वह किस प्रकार से लोगों के जीवन में क्या लाती है। देखिए लोग जब मेट्रोयान की सवारी करते हैं तो उन्हें बहुत सुखद एहसास होता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है। जब मेट्रोयान को चलते देखते हैं तो विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की उन्नति को देखकर उन्हें बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। तो ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था, इसके शब्दार्थ भी हम कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर, पार्ट बोर्ड के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पार्ट बोर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थाने लिखन। आपको इन स्पेस में इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे आंसर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सवेगम किम चलती, सवेगम वेग के साथ कौन चलता है, विद्युत चलती है या मेट्रो यान चलती है, कौन चलता है वेग के साथ, मेट्रो यानम। चलिए देखिए हम इसके आंसर में बच्चों मेट्रो यानम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेट्रो यानम जनान पुत्र नेति, मेट्रो यान मेट्रो रेल है वो जनान अर्थात लोगों को पुत्र नेति कहाँ लेकर जाती है, सुदूरम ग्रहम दूर लेकर जाती है या घर लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है जहां उन्हें जाना होता है वहां लेके जाती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सुदूरम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए मेट्रो यानम पुत्र धावती, मेट्रो यान पुत्र यानी कहाँ दौड़ती है, पुत्र यानी कहाँ दौड़ती है, लोहपथे या आकाशे, लोहे के मार्ग पर या आकाश में, मेट्रो यान दौड़ती है लोहपथे, मेट्रो यान कहाँ दौड़ती है लोहपथे। अगला देखिए बच्चों एतत् कस्य उपरि धावति या किसके ऊपर दौड़ती है, मार्ग से ऊपरी या स्तंभ से ऊपरी, यह दौड़ती है स्तंभ से ऊपरी, किसके ऊपर दौड़ती है बच्चों स्तंभ से ऊपरी। मेट्रो यानम यात्रा की दृष्टि बचती, मेट्रो रेल की सवारी कैसी होती है, मेट्रो रेल की सवारी होती है अति रमणीय, कैसी होती है अति रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों मेट्रो यान में वातावरण कथम वर्तते, मेट्रो यान का वातावरण कैसा होता है, तो वहां का वातावरण होता है विमलम, कैसा होता है बच्चों विमलम। ये हमने उचित पदों को चुन करके ये आंसर लिखे हैं। इन आंसरों के बाद अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्थूलानि पदानि आद्यतया कस्य निर्माणं कुरु, यानी स्थूल पद, हमें स्थूल पद नहीं यहाँ क्या है रेखांकित पद, रेखांकित पद के आधार पर आपको क्या करना है क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको किन के शब्द रूप आने चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, फिर आप जिस शब्द से बनाएंगे उस शब्द से आपका क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। तो देखिए मेट्रो यानम अभिरामम अस्ति, तो मेट्रो यानम क्या है नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे किम, किम अभिरामम अस्ति और साथ में क्या लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तभी तो प्रश्न निर्माण होगा। अब देखिए मेट्रो यानम सर्वेषां प्रियम अस्ति, मेट्रो यान सभी को प्रिय है, सर्वेषां सभी की प्रिय है, मेट्रो जो सवारी है वह सभी की प्रिय है, की अर्थात संबंध का के की अर्थात संबंध का के की, और सभी की मतलब पुल्लिंग होगा क्योंकि बताया था जब किसी लिंग के बारे में ना बताया जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं पुल्लिंग का। तो सर्वेषां षष्ठी विभक्ति सभी की अर्थात बहुवचन, तो मेट्रो यानम कस्य तयो केषां, तो यहां पर क्या आएगा केषां, प्रियं अस्ति और साथ में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों केशाम, यहाँ केशाम आया यहाँ पर किम आया। अब देखिए एतत् दृष्ट्वा चित्तं मोदयेत्,
इसको देख करके आपको चित्तम, चित्तम अर्थात मन, मोदी आनंदित होता है। कौन आनंदित होता है? मन। कौन अर्थात कर्ता। तो एतत् दृष्ट्वा चित्तम वेगम क्या लिखेंगे? किसको आनंदित करती है? इसे देखकर कौन आनंदित होता है? मन। तो हम यहां लिखेंगे का मोदी। कौन खुश होता है? हमारा मन। और मन क्या है? पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। मेट्रो यानम संगणकीय नियंत्रिता मस्ति। मेट्रो जो रेल है वह संगणकीय अर्थात कंप्यूटर से नियंत्रित अर्थात कंट्रोल अर्थात वश में होती है। किसके वश में काम करती है मेट्रो यान? कंप्यूटर के वश में। कंप्यूटर से तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मेट्रो यानम। और संगणकीय अर्थात तथे व्यक्ति एक वचन के काभ्याम कई क्या लिखेंगे? के नियंत्रितम अस्ति और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए मेट्रोयानम विज्ञानस्य आविष्कारे वर्तते। मेट्रोयान विज्ञान का आविष्कार है। मेट्रोयान किसका आविष्कार है? विज्ञान किसका आता? संबंध काके की। तो हम यहां क्या लिखेंगे? मेट्रोयानम कस्य कस्य लोकेशन कस्य आविष्कार है वर्तते और इसके साथ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने किम का प्रयोग किया, सेकंड में केशम का, थर्ड में क का, फोर्थ में के और फिफ्थ में कस्य। अब आप ये सभी क्वेश्चंस को देखो एक बार, आंसर देखो। इनको क्वेश्चन आंसर देखने के बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आम और न लिखत, यानी आपको आम अर्थात हाँ लिखना है और न लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम क्लास में बुक से करते हैं। किम रेल यानम लोहपथे चलती? क्या रेल यान लोहे के मार्ग पर चलती है? तो आंसर क्या होगा इसका? आम। क्या आंसर आएगा बच्चों? हाँ। नेक्स्ट है किम मेट्रो यानम भूमो अधन धावती? क्या मेट्रो यान भूमि के नीचे नहीं चलती? ना, इसका आंसर आएगा नहीं, भूमि के नीचे भी वो चलती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। किम विमानम वायु मार्गे गच्छति? क्या विमान वायु मार्ग में चलता है? आम। हाँ, कहाँ चलता है? वायु मार्ग में, विमान वायु मार्ग में चलता है। किम नौका भूमौ चलति? क्या नाव भूमि पर चलती है? तो इसका आंसर होगा न। नेक्स्ट देखिए किम मेट्रो यानम धनस्य समयस्य रक्षा भवति? क्या मेट्रो यान से धन की और समय की रक्षा होती है? तो हम लिखेंगे आम, क्योंकि यदि हम मेट्रो यान की सवारी नहीं करते हैं तो मेट्रो वाले होते ही लगता है, अगर हम अपने खुद के व्हीकल से जाएं तो हमारा धन और समय दोनों नष्ट होते हैं। किम मेट्रो यात्रा सुखदा वर्तते? क्या मेट्रो यात्रा दुख देती है? ना, नहीं देती। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ आम और ना वाला। अब देखिए इसके व्याकरण बोध के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने के बाद देखिए विकल्प में शुद्धम संधि पदम चित्वा लिखत। विकल्प में शुद्ध संधि पद चुन करके आपको लिखना है। संधि पद क्या है? देखिए स्तंभ और इसके ऊपर क्या है? उपलिंग। अब देखिए ये है ए और ये है उ, ए प्लस उ बराबर ओ। तो ये स्तंभ, ये ओ लग गया तो स्तंभ और परे, तो जो हो वो चुनकर लिखो। भावती अभिराम भाव के विराम, देखिए ये है ई और ये है ए, ई प्लस ए बराबर य। तो धावत प्लस ये भी राम मम। तो देखिए धा व त य धावत्य भी राम मम, ये जो हो सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखिए अध प्लस अपी,
जब विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या यरे लरे हो तो विसर्ग को क्या आदेश होता है? ओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? ओ। और विसर्ग किससे बन जाता है? अव्यय में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम अव्यय कहते हैं संस्कृत में, इसी क्या कहते हैं हम अव्यय। अब देखिए एक है पुत्र प्लस अपि, पुत्र प्लस अपि, पुत्र के त में से ए निकला, अपि के ए में से ए निकला, ए प्लस ए बराबर आ, तो क्या बना? पुत्रापि। तो ये संधि हमने सॉल्व की है, इसके बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसको देखिए कि संधि नियम हमने कैसे सॉल्व किया है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इदम अभिरामम, तो हम क्या लिखेंगे? इदम अभिरामम। नेक्स्ट है शीघ्रम अनुधावती, तो आप लिखे शीघ्रम अनुधावती। नियंत्रण अखिलम, तो नियंत्रितम अखिलम। नेक्स्ट पुस्तकम इच्छति, और नेक्स्ट प्रियम अस्माकम। इसके बाद आता है इसका विपरीतार्थ मेल करना है। पहले आप इसको देखिए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझिए कैसे संधि की है। इसके बाद देखिए विमल का विपरीतार्थ होता है मलिनम, विमल का मलिनम। नवम का होता है पुरातनम। सुखदा का विलोम होता है दुखदा। भूमौ का विलोम होता है आकाशे। सुदूरम का विलोम होता है समीपम। और ऊपरी का विलोम होता है अधः। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, इसकी पीडीएफ। इसके अलावा आप इस ब्लैक बोर्ड पे देखें कि किस प्रकार हमने संधि नियम किया है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, नेवर डाइज। आई विल गिव यू ओनली 5 मिनट्स में आप ये कंप्लीट करें। 5 मिनट बाद में इस वीडियो को ऑफ कर दूंगी और आप ये देखेंगे कि आपने किस प्रकार इसको सॉल्व किया है। लेट्स वॉच दिस वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी ध्यान से करें, क्योंकि ये सारे आपको करने हैं और साथ में अपनी कॉपी में इन सबको मेंशन करना है। आप अपनी बुक में इन्हें मेंशन करें, इनकी जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप इसे ध्यान से देखें और समझें कि आपको किस प्रकार इन चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।